शेरकोट में तेज रफ्तार थार की चपेट में आकर एक युवक की मृत्यु हो गई। परिजनों ने हरेवली रोड को जाम कर दिया। शेरकोट में ब्लैक थार की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की मृत्यु हो गई। घटना से मृत्यु के परिवार में कोहराम मच गया। मृतक अपनी मां को बैंक छोड़कर घर जा रहा था। गुस्से में परिजनों ने थार चालक को मौके पर बुलाने को लेकर रोड जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि शेरकोट के मोहल्ला फतेहनगर निवासी हिमांशु उम्र लगभग 19 साल पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह अपनी मां को बैंक छोड़कर घर वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है कि जैसे ही वो नेशनल हाईवे सर्विस रोड पर हरिजन धर्मशाला के पास पहुंचा तो चुंगी नंबर 5 की तरफ से आ रही ब्लैक थार की चपेट में आ गया, जिसमें बाइक सवार हिमांशु घायल होकर मौके पर ही गिर गया, जिसको थार चालक मानवता दिखाते हुए उसको अपनी गाड़ी में डालकर धामपुर एक निजी अस्पताल में ले गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसको मृत्यु घोषित कर दिया, जिसकी खबर से मृत्यु के परिवार में चीख पुकार मच गई। उधर थार चालक थार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। वहीं गुस्से परिजनों ने थाने के सामने रोड पर शव को रखकर जाम लगा दिया, जिनको पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता नहीं है और मृतक की 3 बहनों का एकलौता भाई था। पिता के बाद मृतक ही घर चला रहा था। मृतक वेल्डिंग का काम करता था। समाचार लिखे जाने तक परिवार वालों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजने दिया। उनकी मांग थी कि थार चालक को उनके सामने लाया जाए। थार चालक भी शेरकोट का ही बतलाया जा रहा है, जिसकी गाड़ी से यह एक्सीडेंट हुआ। दरअसल वो इंसान भी शेरकोट का ही बतलाया जा रहा है। लड़का 19 साल का है और 3 बहनों का एकलौता भाई है। पूरे घर की जिम्मेदारी उसी लड़के के ऊपर थी। 3 बहनों के सर से और एक माँ के सर से ये साया उजड़ गया। देखते रहिए हमारी रिपोर्ट रियल इंडिया टीवी पर। न्यूज को लाइक करके वीडियो को आगे शेयर जरूर करें।